हेलो गाइस, क्या हाल चाल है आपका। स्वागत है मेरे ब्लॉग पे। तो गाइस अभी बज रहे हैं शाम के 3 बज रहे हैं कुछ भी। तो अभी क्या कहते हैं, पापा का फोन आया था, तो पापा ने बाइक मंगाई है तो अपने शॉप पे। तो आज क्लिनिक पे बाइक लेके जाएंगे और आज क्लिनिक पे बाइक भी जाएगी और आपको आज मैं क्लिनिक भी दिखाऊंगा। पर गाइस एक प्रॉब्लम है कि मैं अमीर हूँ, बहुत पैसा है मेरे पास, कि मैं वहाँ पर नहीं बोल पाऊंगा क्योंकि पापा को नहीं पता कि मैं व्लॉगिंग करता हूँ। तो गाइस मैं सिर्फ वीडियो ही दिखा पाऊंगा उस टाइम की। एक और बात, कल मैंने चेक किया, कल मैं इस माइक को ठीक कर रहा था, जब इसको मैंने ऊपर वाला ढक्कन उठाया, जो विंडशील्ड होती है उसको हटाने के बाद जब अंदर मैंने ओपन किया तो क्योंकि इसकी आवाज़ नहीं आ रही थी, कैच नहीं कर रहा था आवाज़, तो जब मैंने चेक किया तो ये माइक का पता लगा कि अंदर से जो इसका माइक है, जो मतलब साउंड को लेता है, वही माइक इसका टूट चुका है। तो यहाँ पर मैं पूछा था तो यहाँ पर कह रहे कोई भी ठीक करने वाला है नहीं है। तो अब मुझे क्या कहते हैं, ये 300-400 रुपये का आया था, 399 का था, तो 400 का हो गया। क्या क्या बोला तूने? एक पहले क्या बोला? चल चल चलो जाके इलाज करो अपना। तो ये मुझे नया मंगाना पड़ेगा अगर जरूरत पड़ी, वरना क्या कहते हैं, आज जो ब्लॉगिंग होगी, आज सिर्फ जो ब्लॉगिंग होगी वो इससे होगी। ये मैंने ये पहना हुआ है, ये भैया ने दिया था, वही तो इसको क्या नेक बैंड कहते हैं शायद, वही है। तो इससे अब आज ब्लॉगिंग करेंगे, जो साउंड आएगा इससे आएगा। पैसा बर्बाद। क्लिनिक पे आ चुके हैं, पापा की बर्बादी है कि पापा भी क्लिनिक पे थे नहीं, तो मुझे वीडियो बनाने का टाइम मिल गया। तो सिर्फ मैं अभी इतनी सी वीडियो बना रहा हूँ, बाकी आपका भी क्लिनिक दिखा देता हूँ। तो अभी आप क्लिनिक देखना, क्योंकि मैं और कुछ बोल नहीं पाऊँगा यार, क्योंकि पापा है नहीं, तो किसी ने देख लिया तो मेरी ऐसी तैसी हो जाएगी, तो इसलिए क्लिनिक देखो बस और कुछ नहीं। तो गाइस अब रात हो चुकी है और अभी मैं घर पे आया हूँ और अब रात के 8 बज चुके हैं। तो क्या कहते हैं, आज मैं क्या पहले आपको क्लिनिक पे ले गया था, क्लिनिक पापा थे नहीं तो मैंने आपको वीडियो अंदर के दिखा दी थी। उसके बाद बाबा दीप सिंह गुरुद्वारे गया था, जो नवाबगंज यहाँ से 13 किलोमीटर दूर है मेरे घर से, तो वहाँ पर चले गए थे, इसलिए आने में थोड़ा टाइम लग गया। तो उसके बाद आके जब मैं घर पर आया था तो मम्मी ने बताया कि कहते हैं अमेज़ोन वाले आए थे, जो मैंने ऑर्डर किया था, कुछ सामान ऑर्डर किया था व्लॉगिंग के रिलेटेड सामान ऑर्डर किया था और कुछ गेमिंग का भी था, तो वो चीज़ें आज मैंने मंगा ली थी। अब ये है क्या कहते हैं, वो तो जूते का ये बॉक्स था, ये बोट का है, ये तो क्या कहते हैं, मेरा बोट का वो हेडफोन था वो ख़राब हो गया था, तो फिर मैंने उसको रिप्लेस करने के लिए दिया था या रिपेयर के लिए, तो वो रिपेयर होके आया था, तो उसका डब्बा है। बाकी इसमें जो है ये व्लॉगिंग के हैं, ये दोनों व्लॉगिंग के, तो इसको अभी अनबॉक्सिंग करते हैं तो आपको भी दिखाते हैं। तो बाकी यार तो चलिए शुरू करते हैं, पहले ये अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। चीटिंग करता है तू, चीटिंग 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 करता है तू। ये गेमिंग के शुरुआत में बेसिक के लिए तो ठीक है, बाकी वायर दे दी चार्जिंग के लिए, फिर उसमें चार्जर ऑन कर सकते हैं, बाकी ब्लूटूथ का है, बेस वगैरह ठीक है, अब इसको एक बार चेक कर लेंगे। तो बाकी अगर आते हैं ब्लॉगिंग वाले पार्ट पे, ये था ओपन करके दिखाते हैं क्या क्या है। पत्ती वगैरह क्या है क्या नहीं, आप इसका सामान निकालो, एक ही चीज़ है 300-400 का यही है, क्योंकि मेरे पास 1800 वहाँ पर 1800 का वो मांग रहे थे, जो कोल्ड शू मॉल लगा था ट्राईपॉड से, मेरे पास था नहीं, तो ये मिल गया है 300-400 में। बाकी तो ये है, इसको हाँ याद है, थोड़ा ओपन में आ खोलो तो ये पीछे हो जाता है,
जितना टाइट करना जितना खोलना खोल लो, क्योंकि मैं जुगाड़ दिखा था इसे फैब्रिक से लगा दूंगा। तो ये छोटी सी चीज आएगी जिसे ये इसे कोल्ड शू माउंट कहते हैं। बाकी अगर आपको चाहिए होगा तो ये मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो अपना जो मेन प्रोडक्ट है उसको करो साइड में, ये अपना मेन प्रोडक्ट है। मैंने तो पूरी मार्च शीट ऊपर चिपका दिया। समझ रहे हो, समझ रहे हो, समझ रहे हो ना? ये है बोया बोया का माइक है जो ठाकुर कुछ पड़ा। और क्या है भाई, सही निकले चीज, बाकी मेरे से पड़ेगा। बाकी ये ऑफिस का फ्लेक्सिबल गोरिल्ला पोर्ट ट्राइपोड है जो मंगाया था। ये तो चीज भाई देखी है, बस अब निकाल के देखते कैसी है। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। सही हो कि इसमें गड़बड़ हो गई ना, देने के देने पड़ जाएंगे। ये है ऊपर जिसमें फोन लगाते हैं, और ये अपना ट्राइपॉड। ये अपना ये यहाँ पर एसएसपी लगाने के लिए, तो ये टाइट कर लिया, अब ये घूमेगा भी नहीं। और ये मेरे हिसाब से ये टाइट है, तो इसको ये ढीला करो और इसको ये ऊपर ले आओ जहाँ पर सेट करना है। देख कर दिया यहाँ पर टाइट, इसको किया डाउन। डाउन होने के बाद इसको वर्टिकल लगा सकते हो, हॉरिजॉन्टल, क्योंकि इसमें यहाँ पर भी छेद है और यहाँ पर भी। अगर आपको ऐसे लगाना है तब भी लगा सकते हो, अगर आपको ऐसे लगाना है तब भी लगा सकते हो। मेरे लिए तो यही है, ये जो आया था कोल्ड शू माउंट, इसके ऊपर ये मैं कोल्ड शू माउंट ऐसे करके लगा दूंगा सामने को। इससे ये ना कि बोया का जो माइक है इस पर लग जाएगा, यहाँ पर आ गया फोन, और इसको आराम से फोन अटका के देखता हूँ, अटका के देखूँगा सही है। बाकी ये फ्लेक्सीबल है शायद, हाँ ये फ्लेक्सीबल है, मैं कर लेता हूँ। स्टिकर्स और पर्चे, ये बोया का मतलब क्या यूज करना है, कैसे यूज करना है। ये शर्ट लगी थी, ये जिसके ऊपर लगती है, और ये इसका प्लास्टिक मेड है वो भी है। बाकी मैंने यूट्यूब पे देखा था ये DSLR कैमरा वगैरह लगाना तो उसके लिए होता है, और ये फोन के लिए होता है। मैं क्या करूँ फिर, जॉब छोड़ दूँ? बाकी उसका बैग है रखने के लिए, बाकी बोया का माइक निकलेगा। ये है माइक बोया का, बहुत गलत रिव्यू भी थे, कुछ अच्छे भी थे, भाई था अच्छे ज्यादा थे, तो इसलिए ले लिया। मेरे को बजट इतना था, बजट था नहीं, जबरदस्ती बजट बनाया है इतना। चले एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए कट ओवर एक्टिंग के वजह। बाकी बजट का रिव्यू बेकार भी ये था कि ये चीज लगाने पे टूट जाती थी, मुझे इसी चीज का डर है कि ये चीज ना टूट जाए। बाकी ये जो चीज है इसको लगाऊं, इसको लगाया इस पे, पूरा सेट हो गया। विंडशील्ड विंड से बचाने की जो आवाज़ आती है उस रोकने, बाकी इसमें नीचे राउंड का ये लगा हुआ है, इसको करेंगे ओपन। ओपन करने के बाद जितने भी ये लगेगा, लगा तो कर ही दो।
ही टाइट कर दिया, बाकी नीचे का जो स्टैंड है उसको टाइट कर दिया, कि जिससे ये निकलेगा नहीं, क्योंकि अगर हवा चल रही है तो निकलने का डर होता ही है। बाकी ये पीछे माइक का लगा हुआ है कि दोनों जो पिन लगानी है वो इसको लगा दूँ मैं, फैटिक लगा के मैं इसको यहाँ पर लगा दूँगा, तो बिल्कुल सेट हो जाएगा और यहाँ पर फोन लग जाएगा नीचे को। बाकी इसको और चंगी करें, इसका भी ऐसा बनाएंगे, यहाँ पर फोन लग जाएगा और कुछ तो है नहीं, बस ये मंगाया था। और मुझे टोटल पड़ा है ये सबको, ये तीन चीज़ें मिला के, मतलब ये इसको भी, हाँ इसको भी सबको मिला के, तीन चीज़ों मिला के मुझे पड़ा ये 2500 का, 2700 कुछ का पड़ा। तो बाकी अगर आपको अच्छा लगा हो तो बता देना, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, लेना हो ले लेना। ये 500 का पड़ा, मैंने 800 का लेना पर कोई फ़ायदा नहीं था, मैंने 500 ट्राई के लिए लिया, क्योंकि कुछ ना बना तो क्या फ़ायदा होगा, फिर पैसे खर्च होंगे, इसलिए सिर्फ मैंने ऐसे लिया। बाकी से ट्राई करके अभी आपको वीडियो में मैं दिखा दूँगा कि कैसा है। मैं क्या करूँ फिर, जॉब छोड़ दूँ? और अगले ब्लॉग्स जो आएंगे वो उससे आएंगे, और थोड़ा प्रोफेशनल वाला फील आता है इसमें यार, कि फ़ोन पकड़ के तो हर कोई बना लेता है, तो आप देखते हैं, हम भी उनमें से ही हैं, हर कोई में से क्या बढ़िया था। अरे हाँ, एक चीज़ और, इसका ये चीज़ ऊपर से सिलाई होती है फोन अटकाने के, तो इसे ट्राई करता हूँ फिर आपको दिखाते हैं कैसा है। वैसा भी पता लगा कि जो मैंने उस पर वो लगाना था बोया का माइक, तो फैब्रिक है नहीं जो थी, वो बिल्कुल सूख चुके था। अभी मार्केट से फैब्रिक लेने जा रहा हूँ, तो उसको लगा के ट्राई करता हूँ, अगर पापा आ गए तो ब्लॉग में एंड कर दूंगा, तो आपको अगले ब्लॉग में मेरे वो उसका यूज़ दिखेगा। अगर पापा थोड़े लेट हो गए तो आपको मैं क्या कहते हैं माइक का यूज़ करके पूरा दिखा दूंगा कि कैसी आवाज़ आती है क्या नहीं, तो अभी फटाफट जाकर लेके आता हूँ, तो फिर आपको माइक का दिखाता हूँ। अभी मजा आएगा ना भिड़ो, तो अभी चलते हैं भाई, ये सामने दुकान से लेंगे, तो फैब्रिक तो अभी मिली नहीं है, दुकान एक बंद है, बाकी एक दुकान इनके पास है नहीं, तो आगे चलते कोई और दुकान देखते हैं, और क्या कर सकते हैं यार, कोई और दुकान ही देखेंगे। फैब्रिक दे दो यार, एक कितने की, एक साथ की है, दो दे दो, तो गाइस अभी पापा आ चुके हैं, तो मैं व्लॉग नहीं बना पाऊंगा, क्योंकि ये मुझे देख लो मैं पैकिंग से भी चिपका रहा हूँ, तभी चिपका भी नहीं है, अभी से फटाफट मुझे चुपाना भी है, क्योंकि पापा आ गए और गाड़ी आ चुकी है, तो व्लॉग मेरा यही एंड करता हूँ, और आपको अगले व्लॉग में मैं दिखा दूँगा जो भी अगला व्लॉग इससे बनेगा, तो सॉरी गाइस अभी नहीं बन पाएगा, वरना मेरी ऐसी तैसी हो जाएगी, वरना अगर मेरी ऐसी तैसी हो गई तो अगला व्लॉग देखने को नहीं मिलेगा यार, प्लीज़ यार समझो। तो आज का व्लॉग यही एंड करता हूँ, तो आपको मिलते हैं थोड़ी देर बाद में, अगले व्लॉग में मिलते हैं, अगले संडे मिलते हैं, तो आज के बाय बाय, टाटा सी यू, भाग लो।